का उपयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। एक बार बोलो, आम आदमी को जागरूक करने के लिए लेकर में होगी रावण सरकार सेवा संस्थान कोटा के हालों की। हमारे साथ मौजूद है रावण सरकार, जो कि एक स्थानीय कलाकार हैं, नाम है दिनेश दिलवाला, और एक अनोखा जो है स्वांग रावण का करकर वो मतदान करने पहुंचे हैं। वो मतदान जागरूकता और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश भी दे रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश दिलवाला, भवानी मंडी निवासी है, और हर बार जो है वो रावण और उनकी जो पत्नी है वो मंदोदरी और रावण के रूप में जो है मतदान करने पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे। मैं कर्मयोगी सेवा संस्थान दिनेश जैन दिलवाला, आम आदमी को जागरूक करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करते हुए मैं ये चाहता हूं अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें, हमारे देश की आवाज को मजबूत करें। बिना किसी दबाव के, बिना किसी नशे पत्ते के अपने मत का प्रयोग करते हुए आम जनता को यही चाहता हूं कि किसी दबाव में आकर मतदान नहीं करें, स्वप्रेरित होकर, स्वविवेक से सोच समझकर, अपने विवेक से ही अपने मत का प्रयोग करें। कितने समय से आप लगातार रावण बनकर मतदान करें? मैं लगभग 11 वर्षों से रावण के रूप में मतदान करता हुआ आ रहा हूं। हमारे साथ रावण सरकार दिनेश दिलवाला, जो स्थानीय कलाकार है, उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है, आप भी मंदोदरी बने हुए हो, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। मतदान करने पहली बार इसी तरह से आए हो? नहीं, मैं भी कम से कम 5 साल से आ रही हूँ। 5 साल से आप भी इसी तरह आ रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हो? अधिक से अधिक मतदान करें। तो ये थे हमारे साथ रावण सरकार दिनेश दिलवाला, जो एक अनोखे अंदाज में मतदान करने आए हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की जो संदेश दे रहे हैं, और लगातार निर्वाचन विभाग जो है अपील कर रहा है कि मतदाता जो है वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व को जो है मनाएं।